एक बैड न्यूज़ बताऊँ क्या और गाइज एक गुड न्यूज़ भी है मम्मी पापा जा रहे हैं हमारे साथ में हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग तो गाई सुबह सुबह पकट हो गया चार बजे उठना था टाइम देखो साढ़े आठ उठने वाले हैं पूरे साढ़े चार घंटे लेट पता नहीं नींद नहीं खुली भाई अलार्म बजा फिर भी नींद नहीं खुली मेरी तो पी उठ जा साढ़े आठ बज गए भाई हल्द्वानी जाना है जल्दी उठ जल्दी उठ जा भाई उठ जा लेट हो जाएंगे फिर। पता नहीं भाई क्या हुआ नींद ही नहीं खुली बहुत गहरी नींद में था अलार्म भी बजा सब फोन भी आए मम्मी पापा के तो भी गाइस घर से निकल गए और टाइम देखो साढ़े नौ बज चुके हैं तो हम एक दो बजे तक पहुंच जाएंगे हल्द्वानी हम तो सीधा उठ गया हमने नहाया भी नहीं है घर जाके नहाएंगे मस्त चलते हैं पहुँचते हैं घर जल्दी से मजा आ रहा है हाईवे पे ड्राइव करने में तो भी गाइस रुके हैं बीकानेर वाला पे कुछ खाने के लिए भूख लग रही थी और यहाँ पे हमको मिलेंगे गेम ऑफ रीड भैया वो आ रहे हैं तो भाई मैं तो खा रहा हूँ इडली सांभर कचौड़ी और समोसा तो अभी गेमे फूट भी हैं अब फिलहाल निकलते हैं निकले चलते अब चलते सीधा घर चलो भाई हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और टाइम देखो पूरे दो बज रहे हैं आवाज़ जो कितना कर रही है फैन चल रहा है ना इसके ऊपर लिखा हुआ बिग फैन जो जोशी लव यू घर आते ही पूरी गाड़ी खोल दी हमने आराम से आराम से, आराम से हमने स्क्रैच नहीं हाँ प्रणाम ओलू शायद हैं प्रणाम हाँ तो तो हमारे कैसे रहेगा आर एस मजा आ गया आज आ गया ना तो घर पहुंच चुके हैं अब फिलहाल नहाते हैं धोते हैं रेडी होते हैं और फिर मिलता हूं मैं आपसे स्कूल जाते डरा दिया बेचारे को तो गई जैसे ही नहा के आया मैंने देखा मेरी आज वाली YouTube की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ना वो उड़ चुकी है बिकॉज कल मैंने मैच वाली दिखाया था थोड़ा बहुत मैच दिखाया था उसमें उसकी वजह से भाई मैंने कुछ इतना ज़्यादा मैच तो दिखाया नहीं था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत दिखाया था और बोल के बताया था कितने रन हो गए ये हो गया वो हो गया पता नहीं यूट्यूब ने वीडियो पूरी वीडियो उड़ा दी अब आप देख नहीं सकते तो काफ़ी लोग कमेंट करेंगे वीडियो कहाँ गई वीडियो कहाँ गई अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं, नहीं आ रहा वीडियो तो गई अब कोई देख नहीं सकता चलो मैं देख सकता हूँ अदरवाइज कोई भी वीडियो नहीं देख सकता वीडियो ब्लॉक हो चुकी है दो मिलियन व्यूज़ भी हो गए थे ये देखो ये दिखा रहा है ब्लॉक्ड और आई सी सी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बट मैंने इतना कुछ दिखाया नहीं थोड़ा बहुत दिखाया था मैंने वो भी लैपटॉप से दिखाया था थोड़ा बहुत लैपटॉप से मैच देखते हुए चलो कोई बात नहीं आगे से नहीं दिखाऊंगा आगे से कभी मैच होगा ना कभी नहीं दिखाऊंगा बस बोल के बता दूंगा ये देखो भाई दो मिलियन व्यूज़ हो गए थे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बहुत बार मेरे साथ में हुआ है बट मैं इन सब चीज़ों से सीख लेता हूँ आगे से वो गलती नहीं करता आगे से मैं कोई भी मैच का कभी नहीं दिखाऊंगा इवन स्टेडियम में भी आपने देखा होगा मैं बहुत कम ब्लॉक करता हूँ स्टेडियम में जब देखने जाता हूँ मुझे पता है अगर वहाँ भी दिखा दिया ना तो वहाँ भी मेरी डिलीट हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी चलो अपनी को धो लेते हैं बहुत ज्यादा गंदी हो रही है ये देखो चिड़िया ने बीट ये, ये स्टीकर भी निकाले को ना निकालो खींचो ना

अब मैं तो लोग तो दिखाते हैं यार आज की हाँ आज की वीडियो गई वे कल मुझे जाना है फिर से कहीं आज ही आया था कल फिर जा रहा हूँ लेकिन कल मस्त जगह है तो आपको मज़ा आएगा मम्मी भी खुश है तो गैस करना मैं कहाँ जा रहा हूँ कल चलो एक हिंट देता हूँ मैं किसी को लेने जा रहा हूँ तो हाँ बस कमेंट करके बताना किसको लेने जा रहा हूँ मैं कल मम्मी खुश है तो समझ जाओ किसको लेने जा रहा हूँ और कहीं एक गुड न्यूज़ भी है मम्मी पापा जा रहे हैं हमारे साथ में फर्स्ट फॉरन ट्रिप पर तो गैस करने में मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ तो अभी बस पासपोर्ट जमा कराना है वीजा लगवाना है एक्साइटेड जी एक्साइटेड गई ध्यान से देखो इस मच्छर को ये मेरा खून पी रहा था इतना बड़ा मच्छर है ना ये इसका ये डंक होता है देखो कैसे हिला रहा है अपने डंक को भाई कितना खतरनाक लग रहा है देखो ये देखो अभी यहाँ पे काटा है इसने मुझे लाल भी हो गया खुजली भी हो रही है दर्द भी हो रहा है यहाँ पे क्या हो गया इसको आ, इसको क्या हो गया अरे तो पीयूष आ गया ट्यूशन से पीयूष एक बैड न्यूज है हमारी आज वाली वीडियो उड़ गई उड़ गई ब्लॉक हो गई

और बुखार जैसा लग रहा है कोल्ड भी हो गया तो अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दवाई ले आता हूँ बिकॉज खांसी बढ़ती जा रही है सुबह मुझे निकलना भी है अगर तबीयत तो खराब होगी मैं निकल ही नहीं पाऊंगा भाई सुबह जल्दी से डॉक्टर से दवाई ले आता हूँ ताकि सुबह तक ठीक हो जाए सब कुछ भाई जब से दिल्ली से आया हो ना घर पर घबराहट सी हो रही है अंदर पता नहीं कुछ हो रहा है जैसे अंदर से डर लगता है ना इस वो वाली फीलिंग आ रही है घबराहट सी हो रही है डर वाली वीडियो डिलीट हो गई उसकी टेंशन नहीं हो रही बट पता नहीं कुछ कुछ हो रहा है डॉक्टर को दिखा दिया है दवाई ले लिया है डॉक्टर ने बीपी चेक किया बीपी थोड़ा बड़ा हुआ था और धक धक धक, धक अंदर से मतलब तो पूरी बॉडी के अंदर ना धक 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 सा हो रहा है डॉक्टर पूछा था कोई स्ट्रेस तो नहीं है कोई टेंशन तो नहीं है मैं कहा ऐसा तो कुछ है नहीं कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा मैं बट फिर भी पता नहीं अंदर से क्यों धक, धक 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 अभी भी हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर फील हो रहा है धक धक मतलब धड़क धड़कन थोड़ी तेज हो रही है चलते अब घर सीधा खाना खा के दवाई लेके सो जाऊंगा मैं एक बात बताऊँ मेरा बी पी बढ़ रहा है दवाई लेके आया हूँ नमक नमक कम खाना पड़ेगा अरे घबरा हो जाता है ना दिमाग में खूब रखता है ना अपने ये वो घबरा उससे होती है उससे होती है तो तो भी टेंशन तो कुछ नहीं थी डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करो और पानी पियो कभी टाइम से खाना नहीं कभी पीना नहीं शरीर आराम भी तो चाहिए कहाँ से होगा तो फिलहाल मैं खाना खाता हूँ आलू की सब्जी रोटी उसके बाद दवाई लूंगा और सुबह जाना भी है तो चार बजे उठना पड़ेगा पाँच या छह बजे निकलना पड़ेगा मुझे तो खाना पीना हो चुका है दवाई ले लिया कफ सिरप ले लिये तो हाँ थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है अब मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है अब नॉर्मल हो गया है लेकिन मुझे बहुत तगड़ा वाला कोल्ड हो गया बड़बड़ी नाक बह रही है बड़ बर बड़ी मतलब खांसी आ रही है इसीलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ और गाइज मेरी आज की वीडियो अभी तक वापस नहीं है मैंने अपील की बट नहीं आई है तो अब नहीं आएगी तो अब मुझे पैकिंग करनी है सुबह के लिए तो सारा सामान पैक कर रहा हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ अब अपने साथ में ये लेके चलता हूँ ये मैं साउथ कोरिया से लेके आया था स्किन केयर पता नहीं तो क्या बोलते हैं बट एक फेस वॉश टाइप का है और एक मूव लगाने का इससे मतलब स्किन एकदम फ्रेश रहती है पूरा दिन भर स्किन एकदम फ्रेश रहती है फिर कभी को साउथ कोरिया जाऊँगा दोबारा लेके आऊंगा चलो भाई सारा सामान पैक कर लिया है अब फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करूंगा इसलिए करता हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलते दे गए इस दिन नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे तो बस डेंगू का डर लग रहा है बिकॉज कल रात को मुझे बहुत मच्छर होने काटा है दिल्ली में मुझे पता है बहुत परेशान रहता है मैं मच्छरों से